मैं आज आपको आजाद करने आया हूँ, अहद लेने आया हूँ। हमने इकबाल का शाहीन बनना है, हमने किसी सूरत किसी के सामने झुकना नहीं है। मेरा लीडर कायदे आजम था, जो एक गुलाम हिंदुस्तान में भी आजाद आदमी था। मैं चाहता हूँ कि आप अपना आप मुकाम समझे। कुरान में अल्लाह कहता है, मैंने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, सबसे अजीम मखलूक। फरिश्तों को कहा कि इंसान के सामने झुको, शैतान को उन्होंने जन्नत से निकाला एक वजह से, इबादत तो वो सबसे ज्यादा करता था अल्लाह की, क्योंकि उसने उसमें तकब्बुर था, कहता मैं इंसान के सामने नहीं झुकता। और अल्लाह ने उसे कहा कि तुम्हें भी अंदाजा नहीं कि मैंने इसको क्या सलाहियतें दी हैं। और कुरान में फिर ये भी है, जब इंसान ऊपर जाता है तो फरिश्तों के उससे ऊपर चला जाता है, लेकिन जब वो गिरता है जानवरों से नीचे गिर जाता है। हमारे ऊपर है, हम ऊपर जाना चाहते हैं या जमीन पर रेंगना चाहते हैं। पाकिस्तानियों, आप एक दफा फैसला कर लें। जब आप फैसला करेंगे कि हम किसी सूरत स्वाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकेंगे, आपकी परवाज ऊपर चली जाएगी। जिस दिन ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब आप समझ गए, आपकी जंजीरें टूट जाएंगी। ये जो गुलामी की जंजीरों में हमें डालना चाहते हैं, टूट जाएंगी। अब सब उठ जाएंगे, 22 करोड़ लोग हैं, लेकिन ये चोर और डाकू पैसे के गुलाम अगर ये आपके ऊपर बैठे रहे, ये मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि नीचे जाएगा।